चलो 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 ये समा है ये प्यार का। उरी 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 हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो अभी मैं आया हुआ था गांव के खेतों के साइड, और यहां पर जो है पता चला मुझे कि एक जगह बहुत बतख का फार्मिंग होता है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को बतख का फार्मिंग किस टाइप से होता है। तो चलिए फिलहाल आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। तो मैं जा ही रहा हूँ, रास्ते में है, और एक हाथ से साइकिल ड्राइव कर रहा हूँ हाफ चड्डा विथ हाफ चड्डा में। आगे चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं बतख का फार्मिंग। चलिए तो फिलहाल वो देखते रहिए, ब्लॉग बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्लॉग। तो चलिए फिलहाल ब्लॉग बने रहिए। इस साइड लगा हुआ मूंगफली, वहाँ मूंगफली, उस साइड, और ये जो है उड़द। फिलहाल आगे चलते हैं, अपने धनों को लेते हैं और उस साइड जाते हैं अभी। तो फिलहाल जस्ट मैं यहाँ डड़गांव पहुँचा और बारिश लगातार चालू, तो मैंने थोड़ा रुक लिया। इस साइड जो है पूरा भीग गया था मेरा ट्रैपोड और कैमरा, यहाँ सामने वाला कैमरा। देखिए फिलहाल ये भाई का दुकान है डड़गांव में, यहाँ मैं रुका हुआ हूँ। 2 रुपये का इसको देना और 3 रुपये का चिलगम देना। यहाँ से गुलाब जामुन 1 रुपये वाले, और वो रहा चिलगम, सफ़र में काम ही आएगा चिलगम। ये तो अपना कोटा है। कभी पानी कभी धूप, देखिए अभी यहाँ पानी गिरा था जस्ट और अभी धूप हो गया। आगे साइड बतख है, मस्त वाले बतख। डरता है का, डरता है का, यह है बतख। ना निकालिएगा, सबको पाले। सब कहाँ से लाए थे सबको? कि निकाले थे छोटे समय से ना। पूरा देखिए सब बदक। हाँ ना, अच्छा अच्छा वहाँ पसना इसी में छोड़ देते हैं ना इसमें। हाँ देखिए उस साइड जो है पूरा सब बतख है, सब एक झुंड में चलता है। मतलब चूजा लाए थे बोल रहे हैं ना। हाँ तो बहुत दिन हो गया, मतलब कितना टाइम लगता है बढ़ने में? कम से कम अभी 4 महीना का है। ये 4 महीना का है, देखिए ये जो दिख रहा है ये 4 महीना का है। चूजा लाए थे भैया यहाँ जसपुर से, और इनके यहाँ बदक है। बदक कितना पीस हो गया इसमें? 200 पीस था, अभी कम से कम 150 लगभग हो गया। अच्छा बेचते हैं? हाँ मतलब इसका फार्मिंग करते हैं आप, इसका बिक्री होता है, मतलब पाल पोस करके बेचते हैं। अब ये देख रहे हैं आप, इसको जब ये बढ़ने का मतलब हो गया और बढ़ेगा क्या? हाँ अभी अंडा देने में और अच्छा। 1-2 महीने में अंडा देने लगेगा, 1-2 मंथ में अभी अंडा देगा, उसके बाद इसको बिक्री हो। तो गाइस यहाँ पर जो है सब बदक सब चर रहा है, और इसके अभी भैया जो है यहाँ पर नहर के साइड लाए हैं, नहीं तो अपने तालाब के पास ही छोड़ते हैं। और ये बदक जो है अभी लगभग 150 पीस बचा हुआ है, और पहले 200 पीस था, सबको बेच दिए, और अभी बस जो बचा है सो इतना ही हिस्सा है। फिलहाल अभी मैं आया हुआ था यहाँ पर, पीछे साइड आप लोग देख सकते हैं जैसे कि बहुत सारा बदक है। इस साइड जो घूम रहे हैं देखिए ये बदक सब एक लाइन पे, भैया जो है अभी छोड़े हैं इनको पानी वानी पीने के लिए बाहर साइड।
जा रहा है घर। आधा झुंड इधर रह गया घर में। ये देखिए सब बदक लोग जा रहा है। सब भागेगा भी घर अंदर साइड। तो चलिए दोस्तों आप लोग को दिखाते हैं कि कहाँ बस फार्मिंग करते हैं भैया, बदक को कहाँ बस रखते हैं। तो चलिए फिलहाल आप लोग देखते रहिए, मैं आप लोग को दिखाते रहूँगा कहाँ बस रखते हैं। अभी तो इन बदकों को सबको ले जाया जा रहा है तालाब की ओर, जहाँ बस ये तालाब है भैया का वहाँ बस। तो चलिए पहले मैं दिखाता हूँ कि ये बदक को कहाँ बस रखते हैं, कैसा किस जगह पर रखते हैं। इस साइड रखा जाता है यहाँ कड़कनाथ, एक साइड कड़कनाथ को और एक साइड बदक वगैरह को। ये घर वगैरह भी देखिए इस टाइप से है। कितना इस तालाब में जाता है ये सब बदक लोग, उस साइड पूरा का पूरा पूरा सूख गया है ना पानी, बहुत पानी सूख गया। देखिए उस साइड पूरा वहां पत्थर हो गए। चलो 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 चलो। अच्छा मतलब किलो में जाता है ना। कहाँ से लाए थे बोले सबको, जसपुर से लाए थे ना। जसपुर से नहीं, गुमला से मंगाए थे। अच्छा मतलब गुमला से मंगाया था। जसपुर वाला एक पार्टी है, वो ला देता है। भैया का यहाँ पर फार्म है, मतलब ये जो है बदक और कड़कनाथ दोनों का फार्मिंग करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं उस साइड जो है सब बदक लोग गया है अभी अपना चारा वगैरह पाने के लिए, और इस साइड यहाँ पर इनको रखा जाता है। एक साइड यहाँ दो पार्टीशन है, दो साइड डिवाइड वगैरह है, एक साइड बदक तो एक साइड कड़कनाथ रहता है। और भी यहाँ का फार्मिंग करते हैं उस साइड पिग वगैरह का, बट अभी यहाँ पर जो निकला है उसको देखिए यहाँ पर जो बदक है वाइट और ब्लैक में, और ये लगभग अभी समथिंग 150 पीस ऐसा कुछ बता रहे हैं भैया। और भी था इनके पास बट उन सबको बेच दिए ये, और अभी जितना है उतना दिख ही रहा होगा पूरा उस साइड जो है। कितना बजे घुसता है ये लोग? 1-2-3 बजे निकल जाएगा, फिर 4 बजे शाम को घुस जाते हैं। अच्छा, और सुबह कितना बजे निकालते हैं? सुबह सात बजे ना। और ये वैसे भी तो ये कहीं जाता वगैरह नहीं है, एक झुंड में जाएगा उसके बाद आ ही जाता है। फिलहाल इस बार तो जसपुर जिला में बारिश नहीं, पूरा सूखा का सूखा और धूप वगैरह हो रहा है, दूर दूर तक कोई बारिश नहीं है। और जब बारिश वगैरह होता है तो यहाँ पर इस साइड से पूरा जो है पूरा भर जाता है, ये जो तालाब है ये पोखर पूरा भर जाता है, और उधर से नहर भी है उस साइड जो भैया खड़े हैं वहाँ पर, उस साइड नहर भी है, वहाँ से भी नहर का पानी आता है तभी भर जाता है। बट अब ऊपर साइड से ही पानी नहीं है तो नीचे साइड इसमें भरने का कोई चांस ही नहीं है। और ये जो बदक देख रहे हैं आप लोग, ये जब भरता है उसमें इसका और ही बेहतरीन नज़ारा होता है। सब यहाँ से पानी वानी का सुविधा मस्त है तो यहाँ पर सब रह जाते हैं लोग। खास व्यवस्था पानी के लिए रहे तब ठीक रहता है। अब बिना पानी के तो ये लोग तो बिना पानी के कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये लोग को तो नहर वहर का पानी चाहिए ही। जगह भी ठीक है, पूरा एरिया आप ही का है ना वहाँ से उस पार का भी। हाँ हाँ चलिए ठीक है, भैया निकलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? सवाल लाना। और मस्त क्यूट लग रहे हैं, एक नंबर, दाढ़ी ओढ़ी बड़ा। कहाँ दुकान उकान नहीं खोलते आजकल? चल रहा है। तो फिलहाल गए अभी एक भैया मिल गए थे जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो बोलते हैं यार बहुत वीडियो वीडियो बना रहे हो ऐसा कुछ बोलते हैं। बुला रहे हैं नहीं ऐसा सब नहीं, यहाँ गाँव में मिलते ही रहते हैं कोई ना कोई, अब देखते हैं तुम लोग बोलते ही हैं क्या भाई वीडियो वीडियो बना रहे होगा के। तो चलिए फिलहाल अभी मैं तुम्हें पहुँचने वाला हूँ घर। तो फिलहाल गए अभी आप लोग देखे यहाँ पर बदक का फार्मिंग वगैरह, और अभी कड़कनाथ वगैरह था नहीं तो मैं कड़कनाथ को कल दिखाऊंगा। तो चलिए फिलहाल आज का वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया होगा, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नीचे उस घंटी को भी दबा दीजिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए